मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बौद्ध ज्ञान एजुकेशन एवं समाज सेवा समिति भोपाल के अध्यक्ष अजय नारनवरे ने बताया कि दिनांक 14 नवंबर 2021 को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में आयोजित भोपाल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से विवाह योग्य युवक युवती सम्मिलित होंगे और अपनी योग्यतानुसार अपने जीवन साथी का चयन कर सकेंगे। मेरा नाम अजय नारनवरे है, बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आगामी 14 नवंबर को एक बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित महासम्मेलन युवक युवती परिचय महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसका बौद्ध ज्ञान एजुकेशन समाज सेवा समिति के और बहुजन समाज के लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और वो इंतजार अभी धीरे 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 खत्म हो गया था। साल भर से बेसब्री से इंतजार किया इन्होंने और ये अब ये इंतजार की घड़ी 14 नवंबर को समाप्त होने जा रही है। ये सम्मेलन लगभग 11 बजे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इसमें मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से भी लोग आएंगे। इसमें युवक युवतियों के बायोडाटा हमारे पास में आ चुके हैं, लगभग 50 बायोडाटा हमारे पास में सम्मिलित हो चुके हैं अभी तक, और इसमें विभिन्न शहरों से लोग आएंगे मध्य प्रदेश में, जैसे छिंदवाड़ा, वाराणसी, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, होशंगाबाद और अन्य शहरों से, सीहोर से, मिसरों से बहुत से लोगों ने मतलब इसका मतलब बायोडाटा सम्मिलित कर चुके हैं हमारे समिति के अध्यक्ष के पास में। और ये लगभग यह सम्मेलन का लाइव भी चलेगा, सीधा प्रसारण भी होगा और यह सम्मेलन शांतिपूर्वक तरीके से रीजनल साइंस सेंटर श्यामला हिल्स पे होने जा रहा है और इसमें कुछ शांतिपूर्वक तरीके से इसका आयोजन। सर समय क्या रखा आप? समय 11 बजे से लेके 5 बजे तक। सर इस अवसर का स्मारिका भी प्रकाशन करेंगे इसमें? हाँ, इसमें स्मारिका प्रसारित लेकिन उस दिन नहीं करेंगे, अभी हमारी स्मारिका अभी तैयार नहीं हुई है। हम लोग नहीं चाहते किसी स्मारिका की कॉपी कर हम अपना स्मारिका तैयार करके लोगों को 200 या 400 में बेचे। वो बाकी अन्य जो सम्मेलन जो भोपाल में होते आ रहे हैं उससे हटकर ये सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें युवक युवतियों को एक मंच पर बुलाकर उनका सीधा मतलब हम आमना सामना करके, एक लड़की एक साइड में लड़की ये युवक युवती खड़ी रहेगी तो दूसरी तरफ युवक खड़ा रहेगा और दोनों बारी बारी से अपना एक एक वो देंगे, परिचय देंगे। उसके बाद में उन युवक युवतियों को लास्ट में हम लोग उनको सम्मानित करेंगे एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र।